अब इस अक्टूबर की स्पेशल बैच यस सर। कौन कौन लाइव है? यस सर। कौन कौन लाइव है? यस सर। सब लाइव है? यस सर। अच्छा, तो मैं व्यूअर्स आपको जानकारी देने के लिए बता देता हूँ कि आज एशिया टेलीकॉम में है कौन सा दिन? चौथा दिन। और एशिया टेलीकॉम बोलता है कि हर एक स्टूडेंट 4G CPU निकाल के लगाएगा। यस सर। क्या हमने CPU एक बार निकाल के लगाया क्या? यस सर। दो बार लगाया क्या? यस सर। तीन बार लगाया क्या? यस सर। सर हमने हमारी पूरी एफर्ट लगा के जितनी बार निकाल के एक दिन में लगा सकते थे उतनी बार लगाया। यस सर। CPU माउंटेन रिमो लाइव फोन से। तो चालू फोन से आपने क्या किए हैं सर? CPU क्या माउंट किया फोन चालू हुआ? चालू हुआ सर। चालू फोन से निकाले थे कि डेड फोन से? चालू मोबाइल चालू फोन से निकाले थे। तो थोड़ा दिखाएंगे फोन सर। अविनाश फ्रॉम कर्नाटका सर। तो अविनाश जी बताइए आज क्लास का क्या कंसेप्ट है सर? प्रैक्टिकल क्लास है, आज फोर्थ डे है हमारा। हाँ जी। सो आज जो प्रैक्टिकल क्लास है, प्रैक्टिकल क्लास में चालू मोबाइल में CPU IC निकालना और जोड़ना था काम था। माउंटी माउंट क्लास है ऐसा? जी जी सर। इधर तरीका अच्छा है सर, सिखाने का तरीका अच्छा है, ऐसा वाला तरीका किधर भी नहीं मिलेगा सर। हैंड स्किल इंप्रूव हो रहा है आपका? यस सर। जी बताइए अपना नाम और कहाँ से हैं आप? शब्बीर है मेरा नाम, मैं जम्मू कश्मीर से। तो सबीर जी बताइए आज आपके क्लास का कौन सा दिन है? चौथा दिन। चौथा दिन है, तो चौथे दिन में आपसे क्या करवाया जा रहा है? CPU पे काम कराया जा रहा है। तो अभी तीन बार किए तो फोन चालू हुआ आपका? फोन चालू हुआ। थोड़ा दिखाएंगे फोन? इनका फोन बिल्कुल चालू। जी बताइए चौथा दिन में एशिया टेलीकॉम दावा करता है कि कोई सा भी स्टूडेंट हो हम उससे CPU माउंट करवाएंगे चालू फोन से और चालू करवाएंगे। हाँ, तो वाकई में ये होता है कि नहीं यहाँ पे? होता है। होता है दो से तीन बार। तीन बार की है तो तीन बार में तीनों बार फोन चालू हुआ आपका? तो इससे पहले CPU लेवल पर काम करते थे आप? नहीं सर, कभी नहीं किए। नहीं, एशिया टेलीकॉम में फर्स्ट टाइम ही बोल सकता हूँ। यस सर। एशिया टेलीकॉम बोलते हैं चौथे दिन 4G फोन से CPU माउंट करवाने के लिए चालू फोन से। यस सर। तो जो वादा करते एशिया टेलीकॉम वो करते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो चंद्रदास, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से बताइए आज क्या क्लास चल रहा है? सर आज चौथा दिन में CPU माउंट रिमाउंट का क्लास था सुबह। तो कन्हैया जी बिहार मोतिहारी से, बताइए आज चौथे दिन के क्लास में क्या करवाया जा रहा है आपसे? सर आज CPU रिवॉल्विंग का क्लास है, वो चालू बोर्ड से 4G चालू बोर्ड से 4G फोन से CPU माउंट की क्लास है। तो ऐसे तरीके हम दावा करते हैं कि चौथे दिन CPU करवा ही देंगे, तो आपने किए? जी। आज आपका क्लास का कौन सा दिन है? चौथा दिन। तो बताइए नाम और कहाँ से है? राकेश चौहान, राजस्थान से सर। तो राकेश जी बताइए आज आपके एशिया टेलीकॉम में कौन सा दिन का क्लास चल रहा है? चौथे दिन का क्लास। चौथे दिन, तो चौथे दिन में एशिया टेलीकॉम का क्या कंसेप्ट रहता है? चौथे दिन में सर CPU माउंट रिमाउंट कराना, 4G फोन से CPU माउंट रिमाउंट कराना सर। तो आज आपका चौथे दिन क्लास है, तो आप अपने 4G CPU से माउंट रिमाउंट किए? कम्प्लीट किया। चालू। बताइए अपना नाम और कहाँ से है? राकेश चौहान, राजस्थान से सर। तो राकेश जी बताइए आज आपके एशिया टेलीकॉम में कौन सा दिन का क्लास चल रहा है? चौथे दिन का क्लास। चौथे दिन, तो चौथे दिन में एशिया टेलीकॉम का क्या कंसेप्ट रहता है? चौथे दिन में सर CPU माउंट रिमाउंट कराना, 4G फोन से CPU माउंट रिमाउंट कराना सर। तो आज आपका चौथे दिन क्लास है, तो आप अपने 4G CPU से माउंट रिमाउंट किए? कम्प्लीट किया। चालू। सीधी से रामराज। रामराज जी, चौथे दिन में एशिया टेलीकॉम का क्या कंसेप्ट रहता है? CPU चालू सेट से निकाल के फिर से लगा दिए। अच्छा, माउंट रिमाउंट क्लास आते हैं 4G फोन से CPU माउंट रिमाउंट करवाना। जी सर। तो आज आपका चौथा दिन है, तो आपने क्या क्या किए थोड़ा बताएंगे? चार सेट कर चुका हूँ। चार सेट कर चुके हैं? जी सर। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं सिवान बिहार से। तो नरेश जी आज क्या क्या क्लास का क्या कंसेप्ट है? सर आज CPU रिमाउंट माउंट का क्लास। माउंट रिमाउंट की क्लास। लाइव फोन से। लाइव फोन से। हाँ सर। आज आपका क्लास का कौन सा डे है? सर आज चौथा दिन है। नहीं सर, ये चार दिन में इतने सारे चीज इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया? सर यहाँ पे आने के बाद ही पता चला कि सर यहाँ पे एक से एक छोटी छोटी ट्रिक्स कैसे हैं, ताकि हम उसको अपनाएंगे तो हमारा फोन बन जाएगा। सर मैं मिलन वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। तो अपने CPU माउंटी माउंट किए? यस सर। कितने बार किए आप? चार बार किए। चार बार किए? यस सर। तो यहाँ आने से पहले करते होंगे आप? नहीं सर, कभी नहीं किए। नहीं सर। तो चार दिन में इतनी सारी चीज़ कैसे इम्प्रूव हो गया? सर एशिया टेलीकॉम की गाइडलाइंस हो तो ज़रूर मुमकिन है सर। सत्यजीत कौर फ्रॉम उड़ीसा। तो सत्यजीत जी बताइए, 4G फोन है? 3G फोन है। 4G फोन है। तो इसका आपने चार बार CPU के माउंटी माउंट किए? जी। फोन आपका चार एकदम चालू कंडीशन है आपका? दानिश बिहार। दानिश बिहार से हो? से। तो एशिया टेलीकॉम बोलते हैं तीसरे दिन पावर, चौथे दिन CPU। तो कल आपका तीसरा दिन था? यस सर। अपने पावर पे काम किए? यस सर। फोन चालू हुआ था? यस सर। और आज आपका चौथा दिन है? यस सर। और आज आपने CPU पे काम किए और फोन चालू हुआ? यस सर। हमें बताइए आप कितने बार काम किए थे CPU पे? तीन चार बार। तीन चार बार, तीनों चारों बार आपका फोन चालू हुआ? यस सर। तो अलग अलग फोन पे किए कि एक ही फोन पे किए? अलग अलग। अलग अलग फोन पे किए।
बताइए आज क्या कंसेप्ट है क्लास का? सर 10:30 बजे से क्लास चालू है सर। जी हाँ, सीपीयू कैसा उड़ाना, कैसा मोंटन रिमोट? क्लास का कौन सा दिन है? 4वें दिन सर। चौथा दिन है, तो चौथे दिन में क्या कंसेप्ट रहता है सर? सीपीयू मोंटन रिमोट लाइव फोन से। तो चालू फोन से आपने क्या किए हैं सर? सीपीयू क्या माउंट रिमोट किया, फोन चालू हुआ? चालू हुआ सर। चालू फोन से निकाले थे कि डेड फोन से? चालू मोबाइल, चालू फोन से निकाले थे। तो थोड़ा दिखाएंगे फोन? कितने बार किए आप? चार पांच टाइम किया सर। चार पांच टाइम किया? चार टाइम किया, जियो मोबाइल से ईएमएम से निकाल के बाद भी ये किया। अपने चार पांच टाइम किए। तो 3G फोन है या 4G फोन है? 4G सर। 4G फोन है। तो आप 4G फोन पे काम करें तो डर तो नहीं लगेगा? नहीं सर। कोई भी फोन आता है सीपीयू पे काम तो कर पाएंगे आप? कर पाएंगे सर। माउंट रिमोट चालू कर लेंगे? पूरा चालू करेंगे सर। चलिए ठीक है, चार्जिंग अलग अलग लेंगे। जी बताइए, अपना नाम कहाँ से है? सर अविनाश फ्रॉम कर्नाटका सर। तो अविनाश जी बताइए, आज क्लास का क्या कंसेप्ट है? सर प्रैक्टिकल क्लास है, आज जो 4th डे है हमारा। हाँ जी। सो आज जो प्रैक्टिकल क्लास है, प्रैक्टिकल क्लास में चालू मोबाइल में सीपीयू आईसी निकालना और जोड़ना था काम था। माउंट रिमोट क्लास है ऐसा? जी जी। हम रेडमी 5A में सीपीयू आईसी निकल के फिर डाला सा, फिर चालू भी हो रहा है मोबाइल। जी जी। तो आपने कितने बार सीपीयू पे काम किए? सर ये आज ये मोबाइल में 2 बार किया था जी, और मेरा पास और जियो एक्स्ट्रा मोबाइल्स है उसमें भी मैं सीपीयू माउंट एंड रिमोट किया। इसमें आपने 2 बार किया और भी? हाँ, आपने सर। और भी सारे फ़ोन में किए आपने? हाँ सर। तो सबका कंडीशन चालू हुआ? हाँ सर सब कंडीशन। तो अभी कैसा है कॉन्फिडेंट लेवल कैसा है? 4 दिन में सीपीयू पर काम कर रहे, तो इससे पहले करते थे आप? नहीं सर, ये पहली बार है, तो बेस्ट एक्सपीरियंस है। बेस्ट एक्सपीरियंस है ऐसा। तो क्या बोलना चाहेंगे ओवरऑल एसी टेलीकॉम के बारे में आप? सर इधर तरीका अच्छा है सर, सिखाने का तरीका अच्छा है, ऐसा वाला तरीका किधर भी नहीं मिलेगा सर। हैंड स्किल इंप्रूव हो रहा है आपका? यस सर। अभी मतलब ऐसा तो नहीं कि कल आपको? नहीं सर, डे टू डे फोन आ जाएगा तो डर लगेगा सीपीयू निकालने? ऐसा कुछ भी नहीं सर। ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं सर। आप कर पाएंगे कॉन्फिडेंट लेवल से? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। एक और स्टूडेंट जी बताइए, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? शब्बीर है मेरा नाम, मैं जम्मू कश्मीर से। तो शब्बीर जी बताइए, आज आपको क्लास का कौन सा दिन है? चौथा दिन है। तो चौथे दिन में आपसे क्या करवाया जा रहा है? सीपीयू पे काम कर रहा है। सीपीयू पे काम कर रहे हैं आप? हाँ, तो सीपीयू माउंट रिमोट किए आप? माउंट किए, लगाए तो 2 बार लगाए, 3 बार लगाए। 3 बार लगाए आप? तो क्या इससे पहले सीपीयू पे काम कर पाते थे आप? कभी नहीं किया, आप तो फ्रेशर ही है ना इस फील्ड में। तो अभी 3 बार किए, तो फोन चालू हुआ आपका? फोन चालू। थोड़ा दिखाएंगे फोन? इनका फोन बिल्कुल चालू कंडीशन में, थोड़ा सीपीयू ठीक है अभी और ही करा रहे हैं। अच्छा, अभी दूसरे फोन पर अभी कर भी रहे हैं आप? अभी हो जाएगा। तो साबिर सिंह बात बताइए, आपके पास कोई फ़ोन आता है सीपीयू पर काम करने के लिए तो डर तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कर लेंगे आप, कॉन्फिडेंट है? बहुत बढ़िया, आपका फ़ोन कंप्लीट चालू भी हो चुका है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो बताइए, अपना नाम कहाँ से है? सर माय नेम इज़ आकाश, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। तो आकाश मुंबई से हो, बताइए आज का क्लास का क्या कंसेप्ट है? सीपीयू माउंट रिमोट करना। सीपीयू तो चालू फोन से माउंट रिमोट करवाया जा रहा है कि डेड फोन से? चालू फोन से। आज आपका क्लास का कौन सा दिन है? 14th दिन है। तो आकाश जी बताइए, 14th दिन में एसी टेलीकॉम दावा करता है कि कोई सा भी स्टूडेंट हो हम उससे सीपीयू माउंट करवाएंगे चालू फोन से और चालू करवाएंगे? हाँ, तो वाकई में ये होता है कि नहीं? यहाँ पे होता है। होता है, जो बोलता है एसी टेलीकॉम वो करता है अपना वादा? करता है। तो आज आपका 4th दिन है, तो आपने क्या क्या किया थोड़ा बताएंगे? सीपीयू माउंट रिमोट हो गया, सीपीयू माउंट रिमोट किया। 3G फोन था या 4G फोन था? 4G फोन था। 4G फोन था। कितने बार किए आप? 5 बार। 5 बार किए, फोन चालू हुआ? हाँ। थोड़ा दिखाएंगे फोन? इससे पहले करते थे आप सीपीयू लेवल पे काम? नहीं, इससे पहले नहीं करते थे, फर्स्ट टाइम है आपको? हाँ। अभी आपको कोई 4G फोन का सीपीयू पे काम करना हो तो कर पाएंगे आप? हाँ। कॉन्फिडेंट लेवल कैसा, बूस्ट हो रहा है कि नहीं अभी? हाँ बूस्ट हो रहा है। नाम और कहाँ से है? सर मैं नाहब बिन मुंबई से। तो नाहब जी मुंबई से है, बताइए आज का क्लास का कौन सा दिन है आप? आज 14th दिन है। 14th दिन है, तो 14th दिन में क्लास में एसी टेलीकॉम बोलते हैं 4G सीपीयू पर काम करवाने के लिए। यस सर। तो कैसा है आज? सर चालू फोन से सीपीयू निकाला, लगाया माउंट रिमोट किया। हाँ सर, फोन चालू किया।
कितने बार किए आपने? सर दो से तीन बार। तीन बार किए, तो तीन बार में तीनों बार फोन चालू हुआ आपका। तो इससे पहले सीपीयू लेवल पर काम करते थे आप? नहीं सर, कभी नहीं किए। नहीं, ये एसटी टेलीकॉम में फर्स्ट टाइम ही बोल सकता हूँ। यस सर। तो थोड़ा दिखाएंगे फ़ोन आप? फोन चालू है अभी। आपको कोई 4G फोन पर काम करना हो सीपीयू लेवल पर तो कर पाएंगे? यस सर। कॉन्फिडेंट है? यस सर, 100% कॉन्फिडेंट कर लेंगे सर। बताइए आज का क्या क्लास चल रहा है अभी? आज क्लास सीपीयू का चल रहा है सर। सीपीयू चौथे दिन का क्लास, चौथा दिन क्लास है। तो इसी टेलीकॉम बोलते हैं चौथे दिन 4G फोन से सीपीयू माउंट डिमाउंट करवाने के लिए चालू फोन से। यस सर। तो जो वादा करते हैं इसी टेलीकॉम वो करते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो आज आपका चौथा दिन का क्लास है, आपने क्या किया? सीपीयू रिवॉल्विंग किया दो बार और फोन चालू हो गया। अच्छा, दो बार किया फोन चालू भी हो गया। यस सर। इसी फोन से आपने सीपीयू निकाला था? यस सर। ऐसा तो नहीं कि आपको किसी टीचर ने करके दे दिया हो? नहीं नहीं, आपने खुद से किए? यस सर। देख सकते हैं कि फोन कंप्लीट है, ऑन भी हो चुका है। कितने बार किए आप? दो बार। दो बार किए। तो इससे पहले सीपीयू लेवल पर काम करते थे आप? नहीं कर। कभी नहीं किए? नहीं। तो ये चार दिन में इतने सारे चीज कैसे पॉसिबल हो गया? एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है। एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है? यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। जयंत दास, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। बताइए आज क्या क्लास चल रहा है? सर आज चौथा दिन में सीपीयू माउंट रिमाउंट का क्लास था। सुबह 10:30 बजे से क्लास शुरू हुआ। हमने सर चालू फोन से सीपीयू निकाल के फिर से रिवॉल्व करके लगाया, फिर चालू हो गया। मैं तीन बार किया और दूसरी फोन में भी एक बार किया, वो भी चालू हो गया। तीन चार फोन में किया? तीन चार फोन में किया सर। सब चालू हो गया? सब चालू हो गया सर। चालू भी हो रहा है फोन? यस सर। तो फोन बिल्कुल चालू कंडीशन से हमने सीपीयू निकाला था? चालू कंडीशन से सीपीयू निकाला सर। बिल्कुल चालू हो रहा है अभी फोन? हमसे चालू हो रहा है सर। तो क्या इससे पहले आप कर पाते थे? नहीं सर, इससे पहले नहीं कर पाते थे सर। हम इससे पहले नहीं करते थे, यहाँ आके ही ये सब काम पॉसिबल हुआ। जी। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर। नाम और कहाँ से हैं? सर मेरा नाम कन्हैया कुमार है, मैं बिहार के मोतिहारी ज़िले से हूँ। तो कन्हैया जी बिहार मोतिहारी से, बताइए आज चौथे दिन के क्लास में क्या करवाया जा रहा है आपसे? सर आज सीपीयू रिवॉल्विंग का क्लास है, वो चालू बोर्ड से 4G चालू बोर्ड से। 4G फोन से सीपीयू माउंट डिमाउंट की क्लास? माउंट की क्लास है। तो ऐसे तरह हम दावा करते हैं कि चौथे दिन सीपीयू करवा ही देंगे, तो आपने किए? जी सर। आज आपका क्लास का कौन सा दिन है? चौथा दिन है। तो आपने सीपीयू पर काम किए? जी जी सर, बिल्कुल किए सर। फोन चालू हुआ आपका? बिल्कुल चालू हुआ। चालू फोन से आपने किए थे? जी सर। और फोन चालू भी हो गया? जी सर। जी सर। कितने बार किए हैं आप? सर आज चौथा बार है मेरा। मतलब कितने बार आपने सीपीयू पर काम किया आज? सर दो तीन चार, कितने बार किए? चार बार किए। चारों बार में चार बार चालू हो गया सर? बिल्कुल। तो इससे टेलीकॉम आने से पहले इतने सारे चीज नॉलेज था आपको? जी सर बिल्कुल। तो अभी नॉलेज और इसके स्किल कैसा है अभी आप? बिल्कुल बेहतर, प्रतिदिन हो रहा है बेहतर। हो रहा है बेहतर होते जा रहा है। जी सर। चलिए ठीक है। बताइए अपना नाम और कहाँ से हैं? राकेश चौहान, राजस्थान से सर। तो राकेश जी बताइए आज आपके एसी टेलीकॉम में कौन सा दिन का क्लास चल रहा है? चौथे दिन का क्लास। चौथे दिन। तो चौथे दिन में एसी टेलीकॉम का क्या कंसेप्ट रहता है? चौथे दिन में सर सीपीयू माउंट रिमाउंट कराना, 4G फोन से सीपीयू माउंट रिमाउंट कराना। जी सर। तो आज आपका चौथे दिन क्लास है, तो आप अपने 4G सीपीयू से माउंट रिमाउंट किए? कम्प्लीट किया। चालू फोन से किए? जी सर। फोन चालू हुआ? जी कम्प्लीट। कितने बार किए हैं आप? दो बार किए सर। दो बार किए? तीसरी बार करने जा रहा हूँ। तीसरी बार करने भी जा रहे हैं? जी सर। दोनों बार फोन चालू हुआ? जी सर कम्प्लीट। तो दिखाएंगे फोन? चालू कीजिए, थोड़ा बैटरी निकाल के सबसे चालू कीजिए। फोन चालू हो गया, बिल्कुल चालू कंडीशन में था। तो ऐसे चीज का माने से पहले इतने सारे चीज का काम कर पाते थे? नहीं सर। सीपी लेवल का काम नहीं करते? नहीं, इससे फर्स्ट टाइम है। जी सर फर्स्ट। तो चार दिन में इतनी सारी चीज कैसे पॉसिबल है सर? यहाँ पे मतलब इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक बताते सर के कोई सा भी मतलब कितना ही हार्ड से हार्ड काम हो बाकी वो ईजी हुए पॉसिबल हो जाता है। चलिए ठीक है। जी सर। वर्षा देखो स्टूडेंट है जी, बताइए अपना नाम और कहाँ से हैं आप? मैं सीधी से रामराज। रामराज जी सीधी से। तो रामराज जी बताइए आज आपका क्लास का कौन सा डे है? आज चौथा। चौथा दिन। तो चौथे दिन में एसी टेलीकॉम का क्या कंसेप्ट रहता है? सीपीयू चालू सेट से निकाल के फिर से लगा दिए। अच्छा, माउंट डिमाउंट की क्लास आते हैं, 4G फोन से सीपीयू माउंट डिमाउंट करवाना। जी सर। तो आज आपका चौथा दिन है, तो आपने क्या क्या किया थोड़ा बताएंगे? चार सेट कर चुका हूँ। चार सेट कर चुके हैं? जी सर, ये पांचवा कर रहा है। अच्छा, पांचवा कर रहे हैं। तो फोन चालू हुआ आपका? यस सर, अभी जस्ट कम्प्लीट किया। दिखाएंगे फोन चालू हुआ कि नहीं? यस सर, देख सकते हैं फोन इनका चालू हो गया। ये कम्प्लीट करके रखा हूँ सर। तो रामराज जी बताइए इससे पहले सीपी लेवल पे काम करते थे? नहीं करते। कभी नहीं किए? कभी नहीं किए। और चार दिन में इतने सारे चीज कैसे पॉसिबल हो गया? सब एशिया टेलीकॉम सर। सब एशिया टेलीकॉम में इस वजह से पॉसिबल हो गया।
तो एस सी टेलीकॉम जो नॉलेज दे रहा है, जो हैंड स्किल दे रहा है, वो बेहतर है कि नहीं है? बहुत अच्छा है सर। तो बताइए अपना नाम और कहाँ से हैं? सर मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं सिवान बिहार से। तो नरेश जी, आज क्या क्या क्लास का क्या कंसेप्ट है? सर आज सीपीयू रिमाउंट माउंट का क्लास, माउंट रिमाउंट की क्लास, लाइव फोन से। लाइव फोन से? हाँ सर। आज आपका क्लास का कौन सा डे है? सर आज चौथा दिन है। चौथा दिन? तो चौथा दिन एशिया टेलीकॉम वादा करते हैं कि चौथे दिन रेसर रेस्टोरेंट से लाइव फोन से सीपीयू माउंट रिमाउंट करवा के फोन चालू करवाना। हाँ सर। तो आपने किए? हाँ सर। आज आपका चौथा दिन है तो आपने किए होंगे? हाँ सर। तो थोड़ा दिखाएंगे कौन से फोन पे किए, कितने बार किए? रेडमी 5 है सर, इसको दो बार मैंने किया है। कितने बार किए? दो बार किया। दो बार किए? दोनों बार में चालू हुआ फोन? हाँ सर, दोनों। तो यहाँ आने से पहले इतने सारे चीज कर पाते थे? नहीं सर, सीपीयू लेवल में काम किए थे? नहीं सर। कभी नहीं किए? नहीं सर। तो चार दिन में इतने सारे चीज इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया? सर ये सर यहाँ पे आने के बाद ही पता चला कि सर यहाँ पे एक से एक छोटी छोटी ट्रिक्स कैसे हैं ताकि हम उसको अपनाएंगे तो हमारा फोन बन जाएगा। वो ट्रिक है आपके पास? हाँ सर। ठीक है, बताइए अपना नाम और कहाँ से हैं? सर मैं मिलन, वेस्ट बंगाल से हूँ सर। वेस्ट बंगाल से? तो बताइए आज हमारे क्लास का कौन सा डे है? आज हमारा सीपीयू माउंट रिमाउंट का कोर्स है सर। चौथा दिन है सीपीयू माउंट रिमाउंट की क्लास चल रही है? यस सर। तो आपने सीपीयू माउंट रिमाउंट किए? यस सर। कितने बार किए आप? चार बार किए। चार बार किए? यस सर। तो यहाँ आने से पहले करते होंगे आप? नहीं सर, कभी नहीं किए। नहीं सर। तो चार दिन में इतनी सारी चीज़ कैसे इम्प्रूव हो गया? सर एशिया टेलीकॉम की गाइडलाइंस हो तो ज़रूर मुमकिन है सर। मुमकिन है? तो कौन सा फ़ोन पे किए आप? मैंने रेडमी 5 पर किया है सर। जी रेडमी 5 पर? रेडमी 5 पे किए? यस सर। फ़ोन चालू हुआ, थोड़ा दिखाएंगे फ़ोन? इसी फोन का किए थे आपने सर? इसी फोन का आपने क्लियर किए थे? यस सर। वो अभी आपके पास कोई फ़ोन आता है, 4G फोन आता है, जिसमें सीपीयू लेवल का काम करना हो तो सीपीयू लेवल का काम कर पाएंगे आप? यस सर बिल्कुल कर पाएंगे। कॉन्फिडेंट है कि नहीं है? यस सर बिल्कुल है। चलिए ठीक है, वाले बताइए अपना नाम और कहाँ से? सत्यजीत कौर फॉर्म उड़ीसा। तो सत्यजीत जी बताइए आज का क्लास का क्या कंसेप्ट है? जैसे सीपीयू रिवर है, सीपीयू माउंट रिमाउंट की क्लास है। अच्छा, एक सीपीयू कितनी बार लगाया? जी दो तीन बार। तीन बार लगाया। तीन बार रिजल्ट मिला हमको? जी सर। जीरो पे थे हम, सीखने को मिला कि नहीं मिला? जी मिला सर। तो किस फोन के किए थे आप? MI 5P का। 5P? ये 4G फोन है, 3G फोन है? 4G फोन है। तो इसका आपने चार बार सीपीयू निकाल के माउंट माउंट किए? जी। फोन आपका चार एकदम चालू कंडीशन में है? जी। तो क्या इसे पहले कर पाते थे आप? नहीं सर। जैसे टेलीकॉम मैनेज पहले किए हैं आप? नहीं सर। नहीं सर। तो ये चार दिन के दिन में इतने सारे चीज कैसे पॉसिबल हो गया? ठीक है सर। ठीक है जी। कल आपने पावर निकाल के चालू किए? जी। और आज आपने सीपीयू निकाल के चालू किए? जी सर। तो एशिया टेलीकॉम दावा करते हैं कि तीसरे दिन पावर और चौथे दिन सीपीयू। जी। तो कल आपने पावर किए थे? जी सर। और आपने सीपीयू भी किए? जी। दोनों दिन फोन आपका चालू हुआ? जी चालू हुआ सर। चालू हुआ दोनों दिन फोन आपका? चालू हो गया जी। चार्ज नहीं है? चार्ज नहीं है। अभी हैंड स्किल का कैसा है लेवल? हैंड स्किल लेवल अच्छा है? अच्छा है। कॉन्फिडेंट है ना? जी कॉन्फिडेंट है। अभी और कोई फोन 4G फोन पर सीपीयू लेवल पे काम करना हो तो कर पाएंगे आप? जी कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? दानिश बिहार। दानिश बिहार से हो? आज आपका क्लास का कौन सा डे है? चार। चौथा दिन है? तो चौथे दिन क्लास में क्या कर रहे हैं आप? सीपीयू रिबॉइल करके लगाए। माउंट माउंट किए? चालू फोन से किए कि डेड फोन से किए? चालू फोन से। चालू इसी फोन से किए थे आप? यस सर। फोन आपका चालू है? यस सर। फोन आपका चालू है? यस सर। तो क्या एशिया टेलीकॉम में आने से पहले सारे चीज करते थे आप? नहीं सर। कभी नहीं किए? नहीं सर। तो चार दिन के दिन में आप सीपीयू लेवल पर काम करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। तो एशिया टेलीकॉम बोलते हैं तीसरे दिन पावर चौथे दिन सीपीयू, तो कल आपका तीसरा दिन था? यस सर। अपने पावर पे काम किए? यस सर। फोन चालू हुआ था? यस सर। और आज आपका चौथा दिन है? यस सर। और आज आपने सीपीयू पे काम किया और फोन चालू हुआ? यस सर। अभी बताइए आप कितने बार काम किए थे सीपीयू पे? तीन चार बार। तीनों चारों बार आपका फोन चालू हुआ? यस सर। तो अलग अलग फोन पे किए कि एक ही फोन पे किए? अलग अलग फोन पे किए, सारे फोन चालू हुआ? यस सर। अभी बात बताइए, अभी आपके पास कोई फोन आता है 4G फोन, उस पर सीपीयू लेवल पे काम करना है तो कर पाएंगे आप? यस सर। कॉन्फिडेंट है कि नहीं? यस सर है। है कॉन्फिडेंट? यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए तो हमारे साथ है 28 अक्टूबर की स्पेशल बैच। यस सर। कौन कौन लाइव है? यस सर। कौन कौन लाइव है? यस सर। सब लाइव है? यस सर। अच्छा, तो मैं व्यूअर्स आपको जानकारी देने के लिए बता देता हूँ कि आज एशिया टेलीकॉम में है कौन सा दिन? चौथा दिन। और एशिया टेलीकॉम बोलता है कि हर एक स्टूडेंट 4G सीपीयू निकाल के लगाएगा। यस सर। क्या हमने सीपीयू एक बार निकाल के लगाया? यस सर। दो बार लगा?
जितनी बार निकाल के एक दिन में लगा सकते थे उतनी बार लगाया? यस सर। पैड भर के लगाया? यस सर। स्किल के साथ लगाया? यस सर। कोई तुक्केबाजी में तो नहीं लगाया कि तुक्केबाजी में निकाला लगा चालू हो गया? नहीं सर। चलिए ठीक है, तो ये बताइए, सबसे पहले मैं स्टूडेंट से बात करूंगा, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए आप। तो मेरे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम नरेश कुमार है। नरेश कुमार कहाँ से? सिवान बिहार से। सिवान बिहार से। तो नरेश ये बताइए कि आज आपकी क्लास क्या थी? सर सीपीयू आज से पहले, आज 4 तारीख से पहले कभी जीवन में आपने 4G सीपीयू पे काम किया था? नहीं सर। कभी 4G आईसी को रिवॉल्व किया था? नहीं सर। नहीं। माउंट रिमाउंट किया था? नहीं सर। आज ईमानदारी से बताइए कितनी बार करा आपने? मैंने 4 से 5 बार किया। 4 से 5 बार किया, रिजल्ट निकला हमारे को? हमारी जो ट्रिक थी वो ट्रिक इफेक्टिव थी कि नहीं थी? सर वन टाइम में हमारा काम हुआ? यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट आइए प्लीज। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए प्लीज आपका। नाब बिंद, मुंबई से सर। मुंबई महाराष्ट्र से? यस सर। मुंबई महाराष्ट्र से, इतनी बड़ी सिटी से आप चाहते तो मुंबई में भी पढ़ सकते थे। तो एशिया टेलीकॉम बोलता है 4th दिन सीपीयू, तो इसके पहले कभी जीवन में एक्सपीरियंस किया था आपने सीपीयू निकाल के लगाने का? कभी भी किया था क्या? नहीं सर। नहीं किया? नहीं। तो अभी लाइफ में पहली बार निकाल के लगाया? हाँ सर। अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि कितनी बार निकाल के लगाया, ईमानदारी से बताइए। सर 4 से 5 बार लगाया। 4 से 5 बार निकाला, रिजल्ट मिला आपको? यस सर। प्रॉपर तरीके से? यस सर। अभी जीवन में कोई सा भी अगर सीपीयू आता तो निकाल के लगाने की स्किल है कि नहीं है? यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। पहले लगाया था सर, दुकान में लगाता था सर, टूट जाता था। टूट जाता था सीपीयू, ट्रैक टूट जाता था, निकालने में ट्रैक टूट जाता था। अभी अभी किसी की भी ट्रैक टूटेगा क्या निकालने में? कभी भी नहीं टूटेगा, वो ट्रिक है ना हमारे पास। यस सर। एशिया टेलीकॉम में नॉलेज है सब। चलिए ठीक है, यस सर। चलिए तो नेक्स्ट आगे आइए। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, प्लीज अपना नाम बताइए। अविनाश फ्रॉम कर्नाटक सर। अविनाश कर्नाटक से। तो अविनाश ये माइक लीजिए आप। अविनाश ये बताइए, आज 4th दिन की क्लास, इसके पहले अविनाश की स्किल थी क्या 4G सीपीयू निकाल के लगाने की? नहीं सर, ये पहली बार था मेरे सीपीयू लगाने का। अभी आज क्लास में कितनी बार निकाल के लगाया आपने सीपीयू? सर 5 से 10 बार सर। 5 से 10 बार? कोई ऐसे वाला काम था या प्रॉपर तरीके से काम किया आपने? नहीं सर, प्रॉपर तरीके से किया है। अभी जीवन में कभी 4G सीपीयू निकालने लगाने का अगर हमको अगर अवसर मिलता है या काम पड़ता है, हम दुकान पे जाएंगे तो हमको तो काम ही पड़ेगा, तो अभी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्या? नहीं सर। कभी कोई ट्रैक ब्रेक होगा क्या? नहीं सर, आप सिखाया है अच्छा तरीका, वो ट्रिक्स हम फॉलो कर रहे हैं, कोई डैमेज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं सर। और इतना बार किया है ना सर, फर्स्ट और सेकेंड टाइम 15 से 20-30 मिनट तक लगता था, अभी 10 मिनट में लगा सकता है सर। उठा के लगा सकता है? ऐसा उठा के लगा सकता है प्रॉपर तरीका से। प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं सर। अभी ये बताइए कि किसी भी प्रकार का कोई डैमेजिंग या रिस्क वाला काम है क्या हमारे पास? नहीं सर, सेफ्टी तरीका है हमारे पास। यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नेक्स्ट आइए प्लीज। तो हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडेंट है मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश, दानिश ये बताओ, आज ईमानदारी से बताओ कि दिन भर में सीपीयू कितनी बार निकाला और कितनी बार लगा? 3 से 4 बार लगाया। तो स्किल के साथ निकाल के लगाया कि नहीं लगाया? स्किल के साथ। आपकी एज क्या है भाई मेरे? 16 साल। 16 साल। इसके पहले कभी आपने सीपीयू पे काम किया था क्या? नहीं सर। अभी भाई आपको देख रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे भाई के लिए, जो जिस जगह उन्होंने पहुंचाया वो सही जगह पहुंचाया आपको? यस सर। 4th दिन सीपीयू आना, सीपीयू लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। अगर आपसे अगर 1 साल छोटा भी बच्चा था तो लगाता कि नहीं यहाँ पर? लगाता सर। लगाता यहाँ पर? यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर बेस्ट फ्यूचर। चलिए तो हमारे साथ स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम कन्हैया कुमार है, मैं बिहार के मोतिहारी जिले से हूँ। कन्हैया कुमार मोतिहारी जिले बिहार से हैं। तो कन्हैया ये बताइए, आपकी आज ईमानदारी से एक 4G सीपीयू को कितनी बार निकाल के लगाया आपने? 6 बार लगाया सर। 6 बार? 6 बार लगाया निकाल के। तो 6 बार में रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? सर बिल्कुल। कितने बोर्ड में, जो आपके पास बोर्ड थे ना, काफी सारे बोर्ड थे? सारे बोर्ड थे, सब पे ट्राई किया और सब सफल रहा, सब पे रिजल्ट मिला? जी सर बिल्कुल। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए तो मेरे साथ स्टूडेंट है, नाम बताइए प्लीज। राकेश चौहान सर, राजस्थान से। राकेश चौहान राजस्थान से। तो 4 तारीख से पहले वाला राकेश चौहान और अभी शाम के 8 बजे वाले राकेश चौहान में 4G सीपीयू को लेके कितना परिवर्तन है? सर बहुत ज्यादा परिवर्तन है, मतलब सवेरे से अभी तक कम से कम 4 से 5 बार किया और कम्प्लीट हुआ सर। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं हुआ, ये चीज तो नहीं हुई आपके साथ कि भाई एक बार तुक्के में लगा दिया? नहीं नहीं, प्रॉपर तरीके से लगा दिया? नहीं सर।
प्रॉपर तरीके से लगाया आपने, निकाला भी प्रॉपर तरीके से लगाया। अच्छा, ये इस चार या पांच या छह बार जो भी आपने सीपीयू जितने टाइम भी लगाया निकाल के, तो कभी आपका सीपीयू डैमेज हुआ क्या? नहीं सर, नहीं। आपकी पेडलाइन डैमेज हुई क्या? नहीं सर। पूरी क्लास में किसी की भी पेडलाइन डैमेज हुई क्या? नहीं हुई सर। जी सर, 1% भी नहीं हुई। प्रॉपर कम्प्लीट तरीके से लगाया, चालू बोर्ड पे कंप्लीट चेक किया, प्रॉपर चल रहा है सर, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। जी सर, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट। तो हमारे साथ है 28 अक्टूबर की बीएच के स्टूडेंट जिनका नाम है राधेश्याम कुमार। कहाँ से है राधेश्याम? बिहार से। राधेश्याम बिहार से। यस सर। राधेश्याम, ये बताइए ईमानदारी से कि आज आपने 12 बजे से लेके अभी तक की जो तुम्हारी 8 बजे तक की क्लास चली है, कितनी बार सीपीयू निकाल के लगाया ईमानदारी? सर, चार बार लगाया। चार बार निकाला, तो चार बार रिजल्ट मिले हैं हमको। यस सर, कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस के साथ में। अच्छा, ये बताइए मुझे कि कोई भी आपका सीपीयू का पैड या पैड लाइन ब्रेक हुआ है आपका? नहीं सर। कारण? ट्रिक अच्छी है सर। जी, ट्रिक अच्छा है, लगाने का है। लगाने का ट्रिक अच्छा है, काम करने का ट्रिक अच्छा है हमारा। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू सर। तो भैया देख सकते हैं जैसे आप ये सेलिब्रेशन सब मना रहे हैं, आज के दिन का सेलिब्रेशन मना रहे हैं यहाँ पर। यस सर। आपस में सेल्फी खींच के, क्योंकि सेलिब्रेशन का दिन बनता है इनका। यस सर। तो चलिए, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए प्लीज अपना। इमरान फ्रॉम आंध्रा सर। इमरान आंध्रा से। तो इमरान, ये बताइए कि थोड़ा प्लीज आ जाइए, जरा सामने आ जाइए। अच्छा, बाकी लोग आइए सामने। तो ये बताइए इमरान, सवेरे वाले इमरान में और अभी रात के 4 मतलब रात के 8 बज रहे हैं ये वाले इमरान में क्या फर्क है? फुल चेंज हो गया। एक सीपीयू को निकाल के कितनी बार लगाया? 6 से 7 बार लगाया। और 6 से 7 बार हमको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? पक्का मिला। अच्छा, आपको स्किल बताने के बाद, तरीका बताने के बाद, क्या टीचर से बार बार इंटरटेन होना पड़ा आपको, या टीचर की मदद पड़ी कि सर बैठ जाओ मेरे पास, अब आगे क्या करूँ? सर ने बोला वो सी ट्रिक से फॉलो है, परफेक्ट रिजल्ट मिला सर। परफेक्ट रिजल्ट मिला। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो हमारे साथ स्टूडेंट है जम्मू कश्मीर से हैं ये, नाम बताइए प्लीज अपना। शब्बीर। शब्बीर, तो शब्बीर फर्स्ट एक्सपीरियंस 4G सीपीयू पे। तो पहला एक्सपीरियंस, कितनी बार ईमानदारी से सीपीयू निकाल के माउंट रिमाउंट किया आपने, कितनी बार रिवॉल्व किया, निकाल के माउंट रिमाउंट किया आपने बोर्ड में? 3-4 बार। 3-4 बार किया। तो हमको रिजल्ट मिले कि नहीं मिले? मिले रिजल्ट सर, तीनों हो गए। एक में थोड़ा बैकलाइट का इशू आ गया, तो वो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में, वो हमारी बैकलाइट की भी क्लास है, होती है ना, तो हमको उसके अंदर उसको देखना है उसके अंदर। तो ये बताइए मुझे कि आज से पहले ये तरीका था क्या हमारे पास? मैं तो ऐसे पहले ये काम ही नहीं करता था, पहली बार ही काम किया है। पहली बार ही काम किया है। तो पहली बार काम किया है, एक दिन की क्लास हुई, कैसा संभव है भाई कि मतलब निकाल दे भी देना, कर भी देना, रिवॉल्व भी कर देना, स्किल के साथ काम भी कर लेना, ऐसा कैसा संभव है? सिखाने का तरीका है सर, बहुत अच्छा है, तो सीख गए सर जल्दी से जल्दी। ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था वैसे तो, लेकिन हो गया सर। हो गया, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे साथ जी आकाश, मुंबई से। आकाश, ये भी मुंबई से हैं भाई। मुंबई छोड़ के जबलपुर आए हो आप? Yes. क्या छोड़ के आए हो? मुंबई छोड़ के। मुंबई छोड़ के जबलपुर आए, तो रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर, रिजल्ट है, इसीलिए तो आया हूं ना, इतनी दूर से। इतनी दूर से इसीलिए आए? हाँ। तो ये बताइए मुझे कि कभी जीवन में 4G सीपीयू लगाया था? नहीं सर, कभी नहीं, अभी तक कभी नहीं लगाया। नहीं। और आज आपको बताया गया तरीका, तो कितनी बार लगाया आपने? 5 बार सर। 5 बार लगाया। तो रिजल्ट मिले कि नहीं मिले हमको? मिल गया ना सर, रिजल्ट मिले हमको। यस सर। तो अच्छा, कोई ऐसा कोई डैमेजिंग हुआ हो सीपीयू 5 बार निकालने लगाने में? नहीं, डैमेज हो गया हो, पैडलाइन टूट गई हो, ब्रेक हो गई हो? नहीं सर, एक बार भी नहीं हुआ ऐसा। एक बार भी नहीं हुआ? नहीं सर। चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ का जो तरीका है ना सिखाने का, वो तरीका अगर कोई भी फॉलो करेगा तो पैडलाइन कभी नहीं टूटेगी। पैडलाइन कभी नहीं, कभी नहीं। हमारे पास सेफ तरीका, उसका सेफ तरीका सर उसको। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ स्टूडेंट है सर, मेरा नाम जयंत दास, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। जयंत वेस्ट बंगाल से। तो आज पहले वाले जयंत दास में और आज 4 तारीख के सुबह वाले में और शाम वाले में कितना फर्क है? सर बहुत फर्क है, क्योंकि हम पहले सीपीयू रिवॉल्व ठीक से नहीं कर पाते थे, अभी सर तरीके से करता हूँ, कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि हम सीपीयू रिवॉल्व करके दे सकता हूँ। और उसके बाद माउंट रिमूव, आपने लाइव सेट कितनी बार चालू करे अभी यहां? सर 5 बार माउंट किया और रिमाउंट किया, 5 बार ही सर सक्सेसफुल से चालू हुआ। मतलब ऐसा कोई तुक्के वाला काम तो नहीं था, आया हमने जबरदस्ती, भैया 4 दिन का बोर्ड लगा है तो उठा के करवा दिया? नहीं सर, पूरा टाइम दिया। एशिया टेलीकॉम कोई तुक्के वाला काम नहीं चलता है सर, यहाँ पे सर तरीके से काम चलता है, प्रॉपर कॉन्फिडेंस से काम चलता है सर।
तो रिजल्ट मिले हमें? यस सर, मिला है सर। एमडी सर का सर जो तरीका है ना सर, बहुत अच्छा है। मैं बोल सकता हूँ कि हमारे इंडिया में एमडी सर जो प्रैक्टिकल क्लास लेते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। हमारे एमडी सर बहुत अच्छा है सर। ठीक है, आप एशिया टेलीकॉम बहुत अच्छा है ये बोल सकते हैं, क्योंकि एशिया टेलीकॉम पूरी टीम है यहाँ पे। यस सर, मैं इंडिविजुअल एशिया टेलीकॉम में कोई भी नहीं है, कोई भी टीचर नहीं है, आपको जानकारी के लिए बता दूं। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष टीचर नहीं है, जब भी अगले टीचर से मिलोगे आप, आपको एक्सलेंट टीचर मिलेंगे। तो आप थैंक्स बोल सकते हो, थैंक्स टू देव सर, थैंक्स टू एशिया टेलीकॉम। यस सर, आप अपने मुंह से बोलिए थैंक्स टू एशिया टेलीकॉम, थैंक्स टू देव सर। ऑलवेज आगे से जो भी बोलेंगे आप, फुल टीम। यस सर, फुल टीम। टीम से आदमी बनता है ना। यस सर, एक लकड़ी होती है तो टूट जाती है, और जब लकड़ी इकट्ठी होती है तो टूटती है क्या? नहीं सर, एशिया टेलीकॉम की टीम है। यस सर, टीम है एशिया टेलीकॉम की। यस सर, है ना, उसमें श्याम सर भी है, दुर्गा सर भी है, मिलन सर भी है, देव सर भी है ना। यस सर, सर है यहाँ पर। यस सर, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सर। जैकेट क्यों? चलिए प्लीज आइए। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, और ये मध्य प्रदेश से ही है और हमारे नजदीकी शहर से है। तो नाम बताइए प्लीज अपना। रामराज। किस जगह से हैं? सीधी से। सीधी कितनी दूर है जबलपुर से? 300 किलोमीटर है सीधी जबलपुर से, मतलब नजदीकी बोल सकते हैं जी सर। आप ऑलमोस्ट डेढ़ हजार किलोमीटर से आए हैं। अभी इतनी दूर दूर से आए? यस सर। तो और ये सबसे नजदीक से आए? यस सर। तो भाई नजदीक से आने के बाद सवेरे वाले 12 बजे वाले रामराज में और अभी के रामराज में क्या परिवर्तन? बहुत परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? बहुत अच्छा, एक्सप्लेन करके बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है सर। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है वो ठीक है, कोई मेरी शादी में तो आई नहीं हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपकी आज की जो क्लास थी, क्लास का क्या 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 लगा आपको क्लास में? चार बार लगाया हूँ सर, सक्सेस हुआ। अलग अलग सेट पे लगाया? अलग अलग सेट पे, चारों चालू किया। क्या इसके पहले ये काम कर पाते थे? कभी नहीं कर पाते थे। करने की कोशिश भी की थी कभी? कभी नहीं, कभी एक आध बार किया तो नुकसान हो गया। तो नुकसान होने के बाद डर के मारे फिर दूसरी बार हमने काम नहीं किया। दूर रहता था सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए तो हेलो सर, सत्यजीत करो फ्रॉम ओडिशा। तो सत्यजीत, सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि आपके भाई संजय ने यहाँ पर किस आपको यहाँ पे पहुँचाया? तो पहुँचाने के बाद आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं? जी, रिजल्ट मिल रहा है। ये बताइए मुझे कि सत्यजीत जो सुबह आया था 11 बजे, तो क्या स्किल लेके आया था, और अभी 8 बजे जा रहा है तो क्या स्किल लेके जा रहा है? जी, पीछे तो सीपीयू निकालने के लिए डर लगा था। अच्छा, आज 4 बजे निकला और सक्सेस हुआ। तो ये बताइए मुझे कि क्या लेवल से हमको जो नॉलेज मिला है, क्या हमको खराब करने वाला नॉलेज मिला है? नहीं सर, अच्छा लेवल तोड़ने वाला नॉलेज मिला है, सीपीयू घिसने वाला, खराब करने वाला नॉलेज मिला है क्या हमको? नहीं सर, अच्छा नॉलेज मिला है कि ट्रिक मिल रहा है, किसे तरीके हमारे पास जी सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो नेक्स्ट आइए, तो इधर सब आ जाइए ना आप प्लीज। तो मिलन, ये बताइए मुझे एशिया टेलीकॉम में 12 बजे वाले मिलन में और अभी के मिलन में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है सर। कैसे बोल सकते हैं यहाँ पर? सर, पहले तो हमें सीपीयू के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था। हाँ। और पहले तो सीपीयू अगर एक दो बार निकालने की कोशिश भी की तो पैड लाइन टूट जाती थी या फिर सीपीयू ही खराब हो जाता था। अच्छा, जो आज आपने सीपीयू निकाला, हेलो यस सर, तो आपने आज सीपीयू निकाला? यस सर। तो क्या स्क्रैपर से निकाला क्या आपने? नहीं सर, स्क्रैपर से तो नहीं निकाला। नहीं सर, स्पेशल ट्रिक थी ना। यस सर, सीपीयू निकालने से पहले आपको यह मालूम था कि मेरे सारी पेट बनी है कि ना बनी? मेरी मेल्ट हो गई है। यस सर, आपको आईसी के नीचे का पेट की भी जानकारी थी ना? यस सर। तो मैंने उसके अंदर वो कुछ वो तो नहीं लगा था, एक्सरे मशीन तो नहीं लगा? बिना एक्सरे मशीन के मालूम कराना आपको? यस सर। यही ट्रिक है टेलीकॉम की, यही ट्रिक है मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर और उनकी टीम की, समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपने कितनी बार, एक बार आज सीपीयू निकाला, रिबॉल किया और फिर से माउंट करा, कितनी बार करा? सर, कम से कम 6-7 बार तो होंगे। 6-7 बार हुआ, तो रिजल्ट मिले कि नहीं मिले? हाँ सर, रिजल्ट मिला सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट आइए प्लीज। नेक्स्ट हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।